नमस्ते दोस्तों, आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। इस अवसर पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के साथ में, जो बताएंगे उनके लाइफ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों का क्या महत्व है, वो अपनी स्कूली लाइफ में उनको किस प्रकार से देख रहे हैं, अपने आसपास छुआछूत को किस तरीके से देख रहे हैं, पहले और अभी में क्या बदलाव है, बच्चों के मन में संविधान के प्रति क्या सोच है, संविधान को लेकर वो लोग क्या बात बोलना चाहते हैं, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। बाबा साहेब ने जिद कर पढ़ने गए और उसके साथ में स्कूलों में बहुत गंदा व्यवहार होता था, फिर भी वो अपने आप में हिम्मत रखा और सोच लिया था कि मैं आगे बढ़ूँगा और देश को एक अच्छा नाम दूँगा। तो वो ऐसे बढ़ते बढ़ते उसको बहुत दिक्कतें हुई सामने की। फिर और जब क्लास में जाता था तो अलग से बैठता था, अलग से चटाई कॉपी पुस्तक, और उसका सर लोग भी थे ना, वो ना बच्चे भी करते थे, ऐसे वो बहुत सारे दिक्कतों का सामना किए। अब ऐसे ही जब वो किस तालाब में जाते थे तो जानवरों को कम बार बार काटते थे, नहाने भी देते थे, वरना वैसे गरीब लोगों को बहुत कुछ अधिकार नहीं था। तो बाबा साहेब बहुत इस सोच में पड़ गए थे कि हमारे देश में ऐसे कैसे हो रहा है, सब तो एक ही है, एक ही जैसे हैं, तो सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। फिर भी वो ऐसे सोचकर वो ना हर अलग अलग जगह पढ़ने गए, रहने गए और अपना नाम चेंज कर मान्यता दिए और वो हम सबके लिए एक संविधान बनाया, उसने हमें हर एक चीज का अधिकार दिए, स्वतंत्रता दिए, भाईचारा बनते सब दिए और उसमें 22 खास मूल्य। ब्राह्मण लोग थे और उच्च जाति के थे वो उनको पढ़ने नहीं देते थे और उनको सबसे अलग कर देते थे, बट उनके जो पिताजी थे और उनके जो फैमिली वाले थे वो उनके लिए बहुत थे, वो चाहते थे कि वो पढ़े लिखे, और बाबा साहब भी चाहते थे कि वो पढ़े और जो उनके साथ हो रहा है वो किसी और बच्चों के साथ ना हो, और उनकी ये सोच थी कि सबको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके। इसलिए उन्होंने संविधान बनाया जिसमें उन्होंने सबको बराबर हक दिया है, चाहे वो ST हो, SC हो, चाहे वो और किसी भी धर्म के हो, और उन्होंने से लोगों के लिए नए और नीच जाति, उन्होंने लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया, उनको पढ़ने का अधिकार दिलवाया, और उनकी सोच मेरे लिए ये मायने रखती है कि हम एक शिक्षित इंसान तब बनते हैं जब हम सोचते हैं, समझते हैं, और हमें सोचने समझने के लिए सवाल पूछना पड़ता है ताकि हम उस चीज़ को जानें कि उसके पीछे का मतलब क्या है और हम उस चीज़ को मानते क्यों हैं। हम बहुत सारी चीज़ें सुन लेते हैं कि ये सच है, बट हम उस पूछ नहीं सकते कि सच क्यों है और ये झूठ क्यों है, और उनकी ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो इतने सारे लोगों के इतनी सारी कठिनाइयों को सामना करके भी उन्होंने संविधान लिखा। संविधान लिखते वक्त भी उनको बहुत सारी दिक्कतें हुई, बट उन्होंने हार नहीं मानी, और आज हम उनके वजह से आज हम पढ़ लिख पा रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच पा रहे हैं, और जो ब्राह्मण और उच्च जात उनसे झुक के काम करना पड़ता था, और अब सब खुले विचार के हो सकते, सब सोच सकते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में। सवाल थी, उन्होंने तो छुआछूत का बहुत विरोध किया, लेकिन आज भी शायद वो दिखता है, तो आपको क्या लगता है जब आप देखते हो ऐसे छुआछूत के कुछ उदाहरण देखते हो, आपके बस्ती में दिखता है? उस समय तो दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और हमें तो पढ़ने का अधिकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिलाया, मतलब दलितों को उन्होंने संविधान लिखा, तो दलित हो के पढ़ सकते हैं और संविधान बना सकते तो हम क्यों नहीं लिख सकते, हम भी एक संविधान लिख सकते और भारत को बदल सकते हैं। अधिकारों को इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अगर हम किसी को बोले कि ये संविधान, तो संविधान क्या है, क्योंकि हमारे जो आसपास है उनको पता भी नहीं कि संविधान है क्या, उन्होंने वो अधिकार पढ़े ही नहीं है। और अभी सबसे मेन प्रॉब्लम है कि समाज, और समाज अपने उसूलियों पर चलता है, अपने कानून पर चलता है, उनको लगता है कि उनके कानून ही सही है, संविधान तो मतलब लिखा गया है, बट उनको लगता है कि जो महिलाएं होती वो पुरुष से दब के रहे तो सही है, और जो दलित होते हैं, शूद्र होते हैं, वो उनके नीचे रहे, पंडितों के नीचे, तो वो सही है। तो ये जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन का वो जो मेन पॉइंट है वो समाज है, क्योंकि वही तय करता है कि कौन ऊंच है और कौन नीचे, बल्कि संविधान तो हमें ये कहता है कि सब बराबर है, चाहे वो शूद्र हो,
चाहे वो ब्राह्मण हो। तो शायद बाबा साहेब ने संविधान बनाने के बाद भी बहुत संघर्ष किया और आंदोलन किया, क्योंकि उनको लगा कि केवल कानून बना के ये सब गैर बराबरी शायद मिटेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनके जीवन के अंत में उन्होंने क्या क्या किया और क्या संघर्ष किए? उन्होंने अपना धर्म हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म अपना, नहीं उन्होंने सबसे पहले सारे धर्मों की पढ़ाई की कि कौन सा धर्म क्या कहता है। तो फिर उन्होंने ईसाई धर्म पढ़ा और कुरान पढ़ा, हिंदू धर्म संस्कृत पढ़ा, उन्होंने सारे धर्मों की पढ़ाई की। फिर उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म भी पढ़ा। तो बौद्ध धर्म मतलब बहुत सारे धर्मों में भगवान को मानते जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है और ना हम उनको जानते, मगर जो बौद्ध धर्म है वो सबको बराबर मानते हैं और वो एक ऐसे दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ सब बराबर हो। इसलिए जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली कि वो बौद्ध धर्म का अपनाने समय और अपनाने के बाद क्या क्या करना चाहते हैं, उन्होंने क्यों अपनाया। तो उन्होंने लाखों लोगों के सामने बौद्ध धर्म का अपनाया और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं हुआ हूँ मगर हिंदू मरूंगा नहीं, और मेरे मरने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। तो हम यही चाहते हैं कि संविधान हमेशा जिंदा रहे और बाबा साहब की सोच हमारे साथ हमेशा रहे। अम्बेडकर थे, उन सब बात में नहीं जानते थे। उसके बाद मतलब फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास में ना मैंने मतलब बहुत सावित्रीबाई और बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ा। और ड्रॉइंग बनाया है 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर का विजय विद्यालय हुआ था। और मैंने ये ड्रॉइंग इसलिए बनाया है कि मैं उनकी तरह ये ड्रॉइंग बना। तो वैसे मैं भी नहीं जानती थी ये कौन है, ये कहाँ से है, इसका जन्म कहाँ कहाँ हुआ, कैसे करते थे। जब ऐसे ना हमारे कुछ टीचर हैं वो हम लोग को पढ़ाएं तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आए, हम लोग पूछे उससे तो फिर हम लोग को बताएं, तब हम लोग को समझ आया कि हम लोग को भगवान से अच्छा तो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। उस पर ना मैं सोच कर कुछ पोएम भी लिखती हूँ। पढ़ना चाहते हो? पढ़ के पढ़ो। बाबा साहेब जब वो हमारे संविधान बनाया था ना तो उसके ऊपर मैं पोएम बनाई थी, जिस भारत को एक नया विधान, जिन्होंने भारत को दी एक नई पहचान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान। उन्होंने सबको साथ चलना सिखाया, सबको अपने अधिकारों से अवगत कराया, ये जिन्होंने एक नया हिंदुस्तान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान। उन्होंने बढ़ाया देश का नाम, वह है हम सबका अभिमान, ये भारतीयों को सम्मान अधिकार, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान। इस पर जैसे दिया ना जैसे कि उन्होंने सबको साथ चलना सिखाया, पहले ऐसे लोग नहीं चलते थे, खासकर महिला तो पूरा पुरुषों के बंधन में फंसे हुए थे। जब बाबा साहेब ने संविधान लिखा तो उसमें महिलाओं को मिला, पर अभी भी थोड़ा वो होता है छुआछूत। इसमें ना सबको अधिकारों से अवगत कराए, वैसे अब उन्होंने ना पहले जो छुआछूत का हमारा भारत था उसको अधिकार मुक्त दिला के एक नया हिंदुस्तान बनाया, इसीलिए हम सब भारतीय लोग उसको समान अधिकार। अम्बेडकर के लड़ाई करने से पढ़ने से हमारी स्कूली लाइफ में हमको बराबरी का अधिकार मिलता है और हम साथ में पढ़ते हैं और गर्ल्स को ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि किसी के जाति का मतलब कुछ और रहता तो उसको उनके जाति के नाम से चिढ़ाया जाता है। तो हमें और कुछ लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पता ही नहीं रहता और ना ही उनके संविधान के बारे में, तो हम चाहते हैं कि उनको संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताएं और वो अपना अधिकार खुद समझें। और अपने जैसे अछूत लोगों के लिए लड़ाई की, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संविधान बस SC या ST लोगों के लिए, संविधान पूरे भारत के लिए है, वो पूरे भारत में लागू हुआ है और पूरे भारत के लिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने SC या ST के लिए तो नहीं लिखा, सबके अधिकार है उसमें, सबको हक है कि वो अपना अधिकार पहचाने,
और वो उनको जो करने का मन है वो करें क्योंकि उनको अधिकार है ये सब करने का। है जैसे कि सावित्री बाई, ज्योतिबा भी है जो जिन्होंने अपनी वाइफ की मदद की, इतना सारा खुद को शिक्षित कर अपनी वाइफ को पढ़ाई और बाकी महिलाओं को भी अधिकार दिया। जब उसके अलावा पेरेंट्स उसको घर से निकाल देते तो हमारी फातिमा से भी मदद की। इन चारों लोग को हम बनाए शिक्षा के ना हमें जागृत किया क्योंकि बनाए इसके ऊपर हमें जय जय भीम जय सावित्री जय भीम जय सावित्री। शिक्षित हो संघर्ष करो संगठित हो, शिक्षित हो संघर्ष करो संगठित हो। Educate, educate, organize. सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने, खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।